हेलो बच्चों, आई नो दैट यू ऑल गाइज़ आर डूइंग वेल तो मैं हूँ आपकी राधा मैम बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 12C सी करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लेसन में से तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट एक्स वाई जेड विथ एक्स वाई इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड एंगल वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो हमें एंगल एक्स निकालना पड़ेगा तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू तो वन एटी डिग्री होगा तो यहाँ पे एंगल एक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आपको वैल्यू पुट करनी है एंगल वाई और एंगल जेड की जिसकी किस्म वन ट्वेंटी आती है और अगर वन एटी से हम माइनस कर देते हैं वन ट्वेंटी तो हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाती है जो कि सिक्सटी डिग्री है ठीक है अभी क्योंकि वो बेस एंगल है तो हमें बेस एंगल पहले पता होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले फोर सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ओके अभी इसके बाद में आपको अपना प्रोटेक्टर लेना है प्रोटेक्टर से आपको सेवेंटी फाइव डिग्री का पहले एंगल बना लेना है ठीक है अब मार्क कर दीजिए और फिर हाँ हो गया अभी अभी क्या करना है आपको एंगल एक्स कितने का है एंगल एक्स है हमारा 60 डिग्री का तो एंगल एक्स भी बना लीजिए डिग्री का ओके okay, मार्किंग हो गई है और बस एक्सटेंड कर दिए रे को अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसको जेड डिनोट करेंगे जो कि 45 डिग्री का आ जाएगा अब सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर एंगल ए ऑफ 100 डिग्री एंड एंगल बी ऑफ सिक्स सॉरी फिफ्टी डिग्री अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है जो कि होगी सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर की ठीक है तो सिक्स पॉइंट टू पर मार्किंग कर लीजिए और फिर बना लीजिए लाइन सेगमेंट को ओके अब आपको लेना है अपना प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको पहले एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं ठीक है थीके? एंगल ए है हंड्रेड डिग्री का और एंगल बी है फिफ्टी डिग्री का एंगल ए हंड्रेड डिग्री का बना लीजिए मार्किंग कर लीजिए वहाँ पे ओके लाइन एक्सटेंड कर दीजिए अभी मेरी रफ स्केच पे लाइन जा रही है लेकिन आपने क्या करना है सेपरेट निकालना है वो वहाँ पे कुछ गिचड़ मिचड़ ऐसे होना नहीं चाहिए अब यहाँ पे एंगल बी मार्क कर लिया फिफ्टी डिग्री का वो भी बना लीजिए और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी दे दीजिए ना अब सी आ गया आपका अभी हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कहते हैं कि कंस्ट्रक ट्रैंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंगल पी फोर्टी फाइव डिग्री का है और एंगल आर है सिक्सटी डिग्री का ठीक है अब यहाँ पे बेस एंगल क्यू पता नहीं है तो क्यू पहले निकालना पड़ेगा तो इन ट्रैंगल पी क्यू आर एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री बाय एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रैंगल तो वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल पी और एंगल आर की और एंगल क्यू निकल आएगा फिर तो एंगल पी और एंगल आर की सम होती है वन हंड्रेड एंड फाइव अगर वन एटी डिग्री से वो माइनस कर देते हैं तो हमें एंगल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है सेवेंटी फाइव डिग्री ठीक है अब यहाँ पे हमें बेस एंगल मिल चुके हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और लाइन सेगमेंट बनाने के बाद में वहाँ पे आपको पहले एंगल्स बनाने अब यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर पी और क्यू पी पे कितने का एंगल चाहिए हमें सेव फाइव और क्यू पे चाहिए सेवेंटी फाइव का सेवेंटी फाइव की मार्किंग कर लीजिए और यहाँ पे सेवेंटी फाइव का आपने बनाना है एंगल ठीक है और अभी यहाँ पे पी पे फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बनाना है तो इसकी भी मार्किंग हो जाइए ओके और ये हो गया मार्क और कर दीजिए अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा आर जो कि है सिक्सटी डिग्री का देख लीजिए सिक्सटी डिग्री का एग्जैक्ट आता है ठीक है अरे भाई मैथ्स है मजाक थोड़ी है ठीक है अब फोर्थ क्वेश्चन की कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एम एन पी राइट एंगल एट एम विथ एम एन इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड एम पी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर मेजर द हाइपोटेनस हाइपोटेनस मेजर करनी है रफ स्केच बना लेते हैं अब यहाँ पे एम पे हमने राइट एंगल बनाया है एक एम एन जो साइड है वो है फोर सेंटीमीटर की बेस की तो अब यहाँ पे पहले फोर सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं अब फोर सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाने के बाद में हमें अपना सेट स्क्वायर लेना है अब यहाँ पे सेट स्क्वायर को वो जो लाइन बनाई थी उस पर रख दीजिए उसके बॉटम और फिर हमारी स्केल से सेट स्क्वायर को ऐसे परपेंडिकुलर हो ऐसे मेजर कर लीजिए क्योंकि टेढ़ी हो सकती है लाइन इस वजह से अब यहाँ पे क्या करना है अपना कंपास लेना है उसमें थ्री सेंटीमीटर मेजर करके मार्किंग कर लेनी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ देना है बस बस हो गया है यह आपका ट्रायंगल एम सॉरी एम एन पी रेडी है जो कि बताया गया था और एग्जैक्ट वही मेजरमेंट आई है इसकी हाइपोटेनस मेजर होती है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो हम लिखेंगे पी एन इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राएंगल डी ई एफ विद डी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर एंड राइट एंगल एट डी तो अब यहाँ पे हमने रफ स्केच बना लिया अरे यार रॉन्ग हो गया ठीक है अब यहाँ पे एट हो गया था सिक्स कर दिया मैंने थोड़ा बहुत तो चलता है ठीक है अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो जिसका नाम है डी अब यहाँ पर भी अपना सेट स्क्वेयर ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके एक लाइन खींच लेनी है वो तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए इसलिए लगाती हूँ मैं ठीक है जैसे तो बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं अब आपने कंपस में लेना है आपको एट सेंटीमीटर ठीक है एट सेंटीमीटर मेजर कर लिया और मार्किंग कर देनी है अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ लेना है आपने अब ये जो ट्राइंगल बना है ये ट्राइंगल डी एफ है और जो कि बताया गया था गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो बस फिर It is all for today's class. If you like my videos, then please like and comment.